हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे ग्रुप थ्योरी की वीडियोस आप देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट फील्ड। फील्ड क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर फील्ड को समझने से पहले हमें रिंग के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि रिंग की जो डेफिनेशन होती है उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव रिंग, फिर मैंने आपको बताया था रिंग विथ यूनिटी, देन फिर मैंने आपको बताया था जीरो डिवाइजर में, आपको बताया था विदाउट जीरो डिवाइजर और विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टूडेंट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, देन उसके बाद एक और होता है स्क्यू फील्ड या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डिवीजन रिंग, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं फील्ड, फील्ड क्या होता है, पर एक बार जो रिंग वाले वीडियोस है वो भी आप आईटी पे जाके देख लीजिए। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा जो नया वाला चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूं, तो स्टूडेंट एक बार आप वो भी आईटी पे जाके देख लीजिए और मेरा नया चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो देट कि वहां भी आपको कंटेंट हेल्पफुल मिलता रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फील्ड क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। और देखो एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने देखे, एक दो कमेंट थोड़े थे बाकी सब अच्छे कमेंट थे, पर एक दो स्टूडेंट ने बोला कि सर आप तो बहुत सिंपल चीज समझा रहे हो सर, थोड़ा सा थ्योरम्स के प्रूफ बताइए, ये बताइए वो बताइए। तो भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि होता क्या है जो ये प्योर के सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर जो कंसेप्ट्स होते हैं वो समझने जरूरी होते हैं, अगर वो समझ में आ गए तो थ्योरम के प्रूफ भी कोई बड़ी बात नहीं, वो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं फील्ड। अब फील्ड होता क्या है जी, फील्ड की बात क्या होती है जो मैंने आपको बताया था। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि रिंग के बारे में हमने बात करी थी और रिंग और फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब रिंग से कैसे फील्ड के कंसेप्ट पे जाते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो रिंग की डेफिनेशन थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आर प्लस डॉट ये मल्टीप्लीकेशन होता है, इसमें जो आर प्लस होता है ये क्या होता है हमारे पास ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, एंड जो आर मल्टीप्लीकेशन होता है ये हमारे पास क्या होता है सेमी ग्रुप होता है, एंड देन यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगता है, राइट। अब बात करते हैं जब हम फील्ड की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये तो अबिलियन ग्रुप होता ही है, अगर ये भी अबिलियन ग्रुप हो जाए है ना मल्टीप्लीकेशन के अंदर, भाई साहब मतलब यहां पे एसोसिएटिव तो सेमी ग्रुप में था ही था, राइट। अब क्या हो जाए यूनिटी भी हो जाए, कम्यूटेट लाइक यहां पे हर जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, राइट, और कम्यूटेटिव भी हो जाए है ना। और अब लाइक कम्यूटेटिव तो होना ही चाहिए क्योंकि वो होगा तभी हमारे पास यहाँ पे ग्रुप की, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रॉपर्टी वो तो है ये। तो अगर ये मतलब ये भी अबिलियन ग्रुप हो जाए, ये भी अबिलियन ग्रुप हो जाए है ना, और देन यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो लो है लेफ्ट और राइट वो भी हो, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं फील्ड बोलते हैं। देखो यही है यहाँ पे और रिंग एफ इज कॉल्ड फील्ड। देखो रिंग अगर फील्ड कब होगा है ना, देखो रिंग की परिभाषा तो अलग ही रही है भाई साहब, आर प्लस क्या होना चाहिए अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाएगा कम्यूटेटिव हो जाए, क्या हो जाए यूनिटी हो जाए मतलब हो जाए, एंड इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल। मतलब भाई साहब अब आप बोलोगे सर नॉन जीरो वर्ड कहां से आ गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं रिंग की फील्ड की तो वहां पर जीरो भी होता है, बिकॉज जीरो क्या होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा तो जीरो भी होगा, पर भाई साहब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/0 होता है, विच इज नॉट पॉसिबल है ना। अरे मल्टीप्लीकेशन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/2 होता है ना, तभी तो आइडेंटिटी आएगा। ग्रुप की डेफिनेशन समझ लीजिए, ग्रुप के वीडियोस देख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा है ना। हाँ जी, तो इधर देखिए तो जीरो का इनवर्स क्या होता है 1/0 होता है, विच इज नॉट पॉसिबल, अरे तो इनफाइनाइट हो जाएगा भाई साहब, इसलिए हम यहाँ पे नॉन जीरो जो एलिमेंट होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, जब भी हमारे पास यहां आर जीरो लिखा हुआ आएगा राइट, तो आर जीरो का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जीरो नहीं है, क्लियर है। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये देखिए आप, अब भाई साहब देखो क्या हो गया है ना, रिंग था वो प्लस में तो ग्रुप है ही है ना, अबिलियन है, मल्टीप्लीकेशन में भी अबिलियन हो जाए यार, ये समझ लो सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाए, मतलब आइडेंटिटी भी हो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट का हो राइट, और कम्यूटेटिव भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग फील्ड बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लो तो लगना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगना जरूरी है ठीक है ना, क्योंकि रिंग तो है, रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा लगे राइट। सो इस परिभाषा को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं ना, क्या होना चाहिए एफ प्लस के अंदर अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अबिलियन के लिए क्या होता है एसोसिएटिव होता है आइडेंटिटी होता है,
इनवर्स होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है एंड कम्यूटेटिव होता है, राइट। ये चारों होगा तो क्या हो जाएगा, वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन के अंदर एफ जीरो लिखा हुआ है, एफ जीरो का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है ना। हाँ जी, क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। देन हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। भाई साहब नॉन जीरो लिखा है, ध्यान रखना। और क्या होता है, अबेलियन होता है। तो यहां पे ये क्या होना चाहिए, ये भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। देन डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है रिंग में वही होता है, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। रिमार्क, इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन फील्ड एफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इच इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहां पे बताना चाहता हूं आगे, ए ए प्लस एक्स बी एंड एक्स प्लस ए बी एंड ए एक्स प्लस बी एंड एक्स ए प्लस बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन एफ फॉर ऑल ए बी इन एफ। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब भी हम ग्रुप की बात करते थे वहां पे हमने एक बताया था कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। यहाँ पे प्लस में भी हो जाएगी और मल्टीप्लीकेशन में भी हो जाएगी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, प्लस में भी हो जाएगी और मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है, याद रखने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है ना। क्यू मतलब रेशनल नंबर, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दोनों में ग्रुप बनता है, इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है। रियल नंबर प्लस में बनता है और मल्टीप्लीकेशन में भी ग्रुप बनता है, मतलब ये फील्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में बनता है और मल्टीप्लीकेशन में बनता है, मतलब ये भी क्या है, फील्ड है, राइट। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, पर स्टूडेंट को डाउट होता है सर ये फील्ड है कि नहीं है। अरे भैया जेड प्लस ग्रुप होता है पर जेड मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अरे दादा टू होगा तो वन बाय टू नहीं होगा, है ना, वन आएगा ना, ये वन बाय टू जेड के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये फील्ड नहीं होता है, ये फील्ड नहीं होता है, याद रखने की जरूरत है, है ना। सेट ऑफ इंडिजर फील्ड नहीं होता है बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखते हैं, है ना। आर फील्ड बिकॉज इच ए इज कम्यूनिटिव रिंग विद यूनिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन बाय ए फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट, इस सब में होता है। नाउ अब देखो, अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगी जो रिंग थ्योरी वाली मैंने वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारे पास जेड पी होता है प्राइम नंबर का, राइट है, प्राइम नंबर है ना, मोडलो प्राइम है ना, तो ये फील्ड होता है भाई साहब, है ना। क्यों फील्ड होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों में ग्रुप बनेगा। देखो कैसे ग्रुप बनेगा, आप बोलोगे सर यार आप तो जादू कर देते हो, है ना, कैसे करते हो बताओ आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो ये होता है और ये होता है ना। हाँ जी, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 है, ये एडिशन मॉडुलो 3 है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3, राइट। 0 1 2 0 1 2, राइट, क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐड कर रहे हैं ना, एडिशन मॉडुलो है, 1 है, देन ये क्या आएगा, 2 आएगा, ये 0 आएगा, देन ये क्या आएगा, 0 आएगा, देन ये आएगा 2, देन ये कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा ना, 2 प्लस 1 3 आएगा, है ना, 3 मतलब ये कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी, है ना, एक मिनट, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 2 प्लस 1 3 मतलब, एक्चुअली ये गलत लिखा मैंने यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो तो आपके पास क्या यहाँ पे 3 है ना, तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 है, तो जब 3 होगा तब हमारी वैल्यू 0 होगी, राइट। तो ये 2 आएगा यहाँ पे, है ना, देन स्टूडेंट ये 2 प्लस 3 कितना होता है, 0, देन ए 2 प्लस 2 ये हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट आप देखे हो ये एडिशन में ग्रुप बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो की बात करते हैं, क्या आएगा, 0 1 2 0 1 एंड 2, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 देन आएगा, 0 देन आएगा, 0, राइट। अब बात करेंगे कितना आएगा, 1 देन आएगा हमारे पास, सॉरी 0 देन आएगा, 1 देन आएगा हमारे पास, 2, राइट, देन आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 0 देन आएगा हमारे पास, 2 देन आएगा हमारे पास, 4 का मतलब कितना आएगा, 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास देखो मल्टीप्लीकेशन बन रहा है बिकॉज ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और हर एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे देखो हमारे पास का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और नॉन जीरो एलिमेंट का तो ये जीरो से मतलब ही नहीं, हमें जीरो से मतलब नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट का, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हमें जीरो से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 1 और 2 से। तो 1 का इनवर्स क्या है, 1 है, और 2 का इनवर्स क्या है, 2 है, मतलब ये क्या होगा, फील्ड होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ जी। और खुद का इनवर्स खुद होता है इसके अंदर ना, देखो 1 का इनवर्स 1 हो रहा, 2 का इनवर्स 2 हो रहा, देखो 1 का इनवर्स 1 है और 2 का इनवर्स 2, यही बोला है पूरी कहानी के अंदर,
देखो यहाँ पे इस फील्ड ऑन ऑब्जर्विंग द कंपोजिशन टेबल जेड थ्री गिवन अर्लियर इट इज क्लियर दैट जेड थ्री इज ए कम्युनिटिव रिंग विथ यूनिटी वन एंड टू इट्स ऑन इनवर्स। हाँ जी आगे दिखता है एलिमेंट यूनिट एलिमेंट इन रिंग विथ यूनिटी। स्टूडेंट रिंग विथ यूनिटी के अंदर यूनिट एलिमेंट क्या होता है समझने की जरूरत है। स्टूडेंट नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होते हैं वो सब यूनिट एलिमेंट होते हैं ना, बट उस यूनिट एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, समझने की कोशिश करिए। देखो आप लेट आर बी द रिंग विथ यूनिटी एंड वन विद आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंड कंपोजिशन। भाई साहब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, सेकेंड कंपोजिशन क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ध्यान देने की जरूरत है। ये प्लस है, एफ है, ये है ना सेकेंड कंपोजिशन के अंदर, है ना। देन ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट। अरे ए यूनिट एलिमेंट होगा अगर ऐसा कोई बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर दे जिसपे ये वन हो जाए। अरे यार मतलब ये इसका क्या हो जाए, इनवर्स हो जाए, मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का यहाँ पे क्या हो जाए, इनवर्स हो जाए, तो वो उसका क्या होता है, यूनिट एलिमेंट होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वही बोल रहा है यार ए बी इज इक्वल टू वन मतलब ये जो है इसका क्या हुआ, इनवर्स हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एग्जाम्पल वन देखिए, इन रिंग Z प्लस मल्टीप्लीकेशन, समझने की जरूरत है। देखो रिंग विथ यूनिटी था तो यहाँ रिंग ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ जी Z प्लस मल्टीप्लीकेशन, देखो यहाँ पे वन और माइनस वन यहाँ पे यूनिट एलिमेंट होता है, क्यों बाकी क्यों नहीं होते? अरे क्योंकि वन और माइनस वन के अलावा दूसरे जो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। देखो टू का क्या होगा, वन बाई टू, हम जानते हैं वन बाई टू जेड में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टू जो होगा वो यूनिट एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है यार। ऐसे ही थ्री, ऐसे ही फोर, ये सब यूनिट एलिमेंट नहीं होते हैं सेट ऑफ इंडिजर के अंदर, क्योंकि इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ये दो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता, बाकी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहां पे ये क्या होते हैं, यूनिट एलिमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट आगे स्टूडेंट यहां पे देखिए आप, इन अ फील्ड, फील्ड के अंदर वैसा फील्ड के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होता है। देखो आप एवरी एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट एक्सेप्ट द जीरो एलिमेंट। अरे भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे मल्टी मतलब सेकंड कंपोजिशन में इनवर्स एग्जिस्ट करे वो सब एलिमेंट रिंग विथ यूनिटी के अंदर यूनिट एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। और फील्ड है तो फील्ड में तो वैसे भी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, है ना, सेकंड कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन लेते हैं हम लोग, है ना, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब वो सब नॉन जीरो एलिमेंट क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट होंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इन द रिंग दिस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। अरे समझ रहे हो यार, बड़ा सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 ले लो, चलो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 ले लेते हैं। इधर देखो आप सिंपल सी परिभाषा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4, देन यहां पे क्या आएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए अब क्या आएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, राइट, देन ये करेंगे तो कितना आएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये कितना आएगा 0, 2, 4 एंड देन 6, 1 देन 8 मतलब 3, राइट, 3, 0, 3, 6, 1, 9, 4, 12, 2, 0, राइट, देन क्या आएगा 4, देन 8 मतलब 3, 12 मतलब 2, 16 मतलब 1। भाई साहब देखो यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सॉरी क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे वापस बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है दिख रहा है नॉन जीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है, ये नॉन जीरो एलिमेंट, इन सब नॉन जीरो एलिमेंट के यहाँ पे यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो 1 का इनवर्स 1 होता है, 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स कौन होता है 3 होता है, 3 का इनवर्स क्या होता है 2 होता है, एंड 4 का इनवर्स क्या होता है 4 का इनवर्स खुद 4 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे जहां पे 1 आता है वो उसका इनवर्स होता है यार, इधर देखो ये 1 ही आ रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये 1 ही आ रहा है, सॉरी क्या हो गया, देखो वापस क्या करता हूँ, ये क्या यहाँ पे ना, देखो ये 1 ही आ रहा है, समझ रहे हो, ये 1 ही आ रहा है, तो 1 का इनवर्स 1 होगा, अभी ये 1 ही आ रहा है, इसका मतलब 2 का इनवर्स 3 होता है, ठीक रहा है, और ये 1 ही आ रहा है, इसका मतलब 3 का इनवर्स कौन होता है 2 होता है, एंड देन ये 1 ही आ रहा है मतलब 4 का इनवर्स कौन होता है 4, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट होंगे। एक बहुत अच्छी यहाँ पे थ्योरम होती है और वो समझने की जरूरत है। देखो वैसे थ्योरम तो बता दिया मैंने आपको ये, पर ठीक है एक बार समझ लीजिए वापस, क्या बोल रहे हैं पे, द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द रिंग विथ यूनिटी फॉर्म एन मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। स्टूडेंट जितने भी हमारे पास
जो रिंग विथ यूनिटी के अंदर जितने भी यूनिट्स एलिमेंट होते हैं वो सब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं। और भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है और उसके अंदर यूनिट एलिमेंट है तो वो यूनिट एलिमेंट जो होगा वो क्या बनाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिटी भी आ रहा है उसके अंदर, तो भाई साहब वो तो वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना देगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। तो देखो एग्जाम्पल अभी जेड वे ले लेते हैं, हम जाते हैं जेड क्या होता है, वन और माइनस वन। भाई साहब आप जानते हो ये ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लीकेशन के अंदर, अरे जानते हो वन और माइनस वन क्या होता है, ये यूनिट एलिमेंट होते हैं जेड के अंदर। आप देख लो ये मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाएगा, क्लियर है कि नहीं, है ना। खैर इधर देख लो थ्योरम का प्रूफ देख लो। लेट आर बी द रिंग विद यूनिटी एंड वन विद इट्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इफ एस इज द सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट। स्टूडेंट एस हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट है, तो हम ये प्रूव करना है कि जो एस है वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। देखो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो वन में आएगा, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है, therefore the multiplicative identity exists in S। अब दो एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट ए और बी, है ना। नाउ सिंस ए एंड बी आर द यूनिट्स, भैया ए और बी यूनिट्स है तो इन दोनों का इनवर्स भी क्या होगा, एस में होगा। अरे यार यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है, इनवर्स भी उसके अंदर ही होना चाहिए, राइट right? क्योंकि हम क्या जानते हैं देयर एग्जिस्टेंस सी एंड डी, अगर ए का सी है तो मतलब क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू वन, और बी का डी है मतलब क्या होगा यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू वन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यूनिटी की परिभाषा तो ये होती है अभी हमने बताई थी, है ना। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू वन, एंड ए सी अगर वन है तो सी ए भी वन होगा, और बी डी इज इक्वल टू वन है तो डी बी भी वन होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं ए बी सी डी की, ए बी एंड डी सी की वैल्यू निकालते हैं। इस ए बी और डी सी की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, ए इंटू बी डी सी, और स्टूडेंट बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, वन आ रही, तो ये ए सी आएगा। और हम जानते हैं ए सी की जो वैल्यू वापस कितनी आ रही, वन, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी बराबर वन आ रही है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, वन आ रही है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये क्या हो जाएगा इसका, तो ए बी भी क्या हो गया, यूनिट आल्सो यूनिट हो गया, है ना। अगर ए हमारे पास यूनिट है तो ए बी भी हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया, क्योंकि इसका जो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी सी आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी यूनिट हो गया। देयरफॉर ए अगर एस में है और बी अगर एस में, तो ए बी भी क्या आ गया, एस में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, राइट। अब क्लोज हो गया, अब हमें ये प्रूव करना है कि इसका इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, चूंकि हम जानते हैं कि सी इज इक्वल टू ए इनवर्स इज क्लियरली यूनिट, है ना, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। अबे यार इधर देखो, ए सी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी इनवर्स होगा, राइट, या सी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बात बराबर है। सो क्लियरली यूनिट देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, विच शोज दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन एस सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इज ऑल्सो एसोसिएटिव, therefore this will also be the associativeness, so consequently this is a multiplicative group। पर वैसे भी सिंपल सी बात है यार, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिटी भी है, तो भाई साहब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तो वैसे भी बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो सर थैंक यू सो मच, और मुझे लगता है कि आपको ये जो कहानी है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं आगे आपके सामने लेके आने वाला हूं फील्ड रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन एंड डिविजन रिंग, इन सब पे बेस्ड एग्जाम्पल, मिक्स एग्जाम्पल, है ना, ताकि आपको चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल समझ में आए, फिर चारों पे बेस्ड थ्योरम, ठीक है ना, वो भी मैं आपके लेने वाले कह रहे वाला हूं। सो बने रहिए मेरे साथ, और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। के बाद बात करेंगे हम पॉलिनोमियल रिंग, आइडियल्स और ये सब हम लेंगे, एंड देन फिर हम नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट धन्यवाद, और यहां पे मेरे वीडियोस दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है, ये मेरे ग्रुप थ्योरी की सीरीज है जिसमें रिंग की वीडियोस भी हैं। स्टूडेंट मेरा नया चैनल जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड कर रहा हूं, स्टूडेंट मेरा मेन चैनल जहां पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तब तो काम कर ही सकते हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।